हमको आगे बढ़ना है और जैसे स्थिर रहेंगे तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। साइकिल पे बैठ के खड़ा रखना जो है वो मुश्किल है, चलते रहेगी तो बैलेंस बनते रहता है, खड़े साइकिल में बैलेंस नहीं बनता है, या बहुत कुछ देर तक आप रुक नहीं सकते हैं। बैलेंस करने वाले भी रहे तो आगे पीछे हिलता डुलता चलता रहता है, तो सीधा सीधा चलता रहता है। और ये सिखाने वाला, साइकिल सिखाने वाला क्या करता है, पीछे पकड़ता है और दौड़ते रहता है और अपने को लगता है कि पीछे पकड़ा है, इसलिए क्या है हम हिम्मत से चलते जाते हैं, वो छोड़ भी दिया उसके बाद भी चलते जाते हैं, और वो आदमी रुक भी गया तो भी हमको पता नहीं हम चलते जा रहे हैं। ये हमारा प्रभु है जो हमको पीछे से पकड़ा हुआ है, हमको चलना आता है, चलते रहो, जब बढ़ते रहो, जब बढ़ते रहते हैं ना तब हमारे अंदर में एक नई मतलब जोश आता है, एक नई ऊर्जा, एक नया एनर्जी हमारे अंदर में आता है आत्मिक तौर से, और हम उसको ये बोलते हैं कि वॉक बाय इनसाइट नॉट बाय आईसाइट। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की, यीशु सहाय। आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद देते हैं, उसने जीवन दिया और यह अवसर दिया कि हम फिर से एक दूसरे के साथ इस वचन को सीख सकते हैं। मैं आज आपसे कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करना चाहता हूँ, और इसके पहले एक गीत प्रभा का ही हम सुनेंगे, उसमें वो गाती है कि न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, सीधा चलना कहाँ, प्रभु के मार्ग में, उसी सकरे मार्ग में सीधा चलना तो गम्य स्थान तक पहुंच जाओगे और अपना जो गोल है उसे हम प्राप्त अचीव कर सकेंगे। जीवन अनमोल है, इस जीवन का जो है एक स्टॉर्म है, एक तूफान है, इसमें हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको संभलना चाहिए, और सबसे मेन चीज हमको अपने जीवन में मतलब बढ़ोतरी चाहिए, आत्मिक जीवन में एक दृढ़ता चाहिए, आत्मिक जीवन में एक सीढ़ी आगे बढ़ना है, हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है और यीशु के साथ चलना है और वो हमारे साथ में है, ये हम सुनेंगे और उसके बाद फिर परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करेंगे। तूफानों से हर दिन तुमको
यीशु तुम्हारे संग है, सुन सुन उसके चलना, दाएं परमेश्वर पिता को फिर से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गीत के लिए और इसके बचे हुए अंश को हम बाद में सुनेंगे, जिसमें कि और भी हमारे लिए एक सहारा और इस संदेश के आधार पर एक और भी मनन करने का अवसर हमको मिल जाता है। अब देखिए, आज मैं आपसे आत्मिक विकास, उन्नति, तरक्की, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करना चाहता हूं कि हम जैसे मसीह में है तो हम कितना बड़े हैं, हम को आगे बढ़ना है। बच्चा बच्चा ही है क्या? अभी तक पत्रस ने भी बताया है कि बढ़ोतरी के बारे में, पत्रस के पहला दूसरा पत्रस में दिया है। और सबसे बड़ा अध्ययन तो पौलुस जो है ये और भी गहरा अध्ययन दिया है सब पत्रियों में कि किस प्रकार से मसीह जीवन होना चाहिए, कैसा बढ़ना चाहिए, कैसा परखना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। कहते हैं कुछ टूरिस्ट लोग एक गाँव गए थे और गांव में जाके वहाँ गांव वाले जो चौपाल लगता है उन लोगों से पूछा कि इस गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है क्या, मतलब कोई नामचीन आदमी, कोई बहुत बड़ा ख्याति वाला आदमी पैदा हुआ क्या, वो जानना चाह रहे थे। तो कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है क्या? तो गांव वाले, नहीं 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 नहीं, हमारे गाँव में सब बच्चे ही पैदा होते हैं। ये मतलब बच्चे ही पैदा होते हैं, तो बच्चा तो बच्चे ही पैदा होते हैं, लेकिन वो बच्चा बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ उसमें चाहिए। देखिए, एक पैदा होना तो इंस्टेंट है, फट से नया जन्म फट से मिल जाता है, उद्धार फटाक से प्राप्त होता है, लेकिन उसमें आगे बढ़ना जो है एक विधि है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, धीरे धीरे सब चलते जाता है। जैसे जैसे पत्रियां हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे बाइबल का अध्ययन करते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम आप अपने अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। इब्रियों का खत, इब्रानियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 12वां वचन में ऐसा लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मतलब विकास हो नहीं रहा, बेबी है। बेबी क्या है? क्यूट, सुंदर बेबी होता है, बच्चा छोटा रहता है ना, हर को बहुत सुंदर ही रखते हैं, गोल मटोल देते हैं, अपन देखते रहते हैं ना। लेकिन बेबी जो है बहुत सेल्फिश होता है, मतलब जो बच्चा जो है बहुत सेल्फिश होता है, वो सब कुछ उसको, हम उसका जान के, उसको आवश्यकताओं को पहचान के माँ बाप को काम करना पड़ता है कि बच्चा भूखा है, कि बच्चे को तबीयत खराब है, कि कुछ पेट में दर्द है, ये सारी चीज़ें पता लगा के माँ बाप सेवा करते। कब तक? बेबी को बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। बच्चा यदि नहीं बढ़ता है तो चिंता की विषय हो जाती है। मेरा नाती जो है ना, दूसरा वाला, वो छोटा था, वो तो कुछ रिएक्शन ही नहीं करता था। मेरे को डाउट होता था कि ये सुनता उनता है कि नहीं, कि बोल सकता है कि नहीं, डेफ एंड डम तो नहीं है। तो मैंने ध्यान से देखा कि एक टीवी का ऐड है जो उसकी पसंद है, वो होता है तो कोई भी कमरे में रहे आके बैठ के उसको देखने लगता था। कान तो साफ है, समझ में आ गया। उसके बाद उनकी दादी ने बताया कि उनके भाई लोग जो है 3-3 साल में बोलना शुरू किए, तो मैं बोला चलो ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। चिंता हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमको क्या है, दूध ही नहीं, हमको अन्न की भी जरूरत है। जैसे कि दूसरा पत्रस 3:18 में कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमेन। बढ़ते जाओ, मसीह में बढ़ते जाओ बोलता है। एक ग्रोथ चाहिए, एक आगे बढ़ना है। यदि नहीं बढ़े तो हमारे लिए एक चिंता का विषय हो जाता है। जैसे कि मरकुस रचित सुसमाचार 4:26 में ऐसा लिखा हुआ है, 26-29 तक है, मैं उसका 28 पढ़ता हूँ। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना।
पृथ्वी अपने आप अंकुरित होता है, मतलब अंकुर करता कैसे, मत देखिए ये बीज, बीज बोने वाले का दृष्टांत भी हमको मालूम है कि कुछ बीज जो है कहाँ गिरे, मार के किनारे में गिरे, कुछ जो है चट्टान पे गिरे और कुछ जो है झाड़ियों में गिरे, ये कुछ नहीं जो अच्छी भूमि में गिरे वो फले। कैसे होता है, बीज गिरता है ना, बीज गिरने के बाद इसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, वो आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें मिलना चाहिए, जब नहीं मिले नहीं हो सकता। जैसे गेहूं के दाने के बारे में भी कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 12 और 24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मतलब कि ये तो खैर एक चीज़ है कि पुराना मनुष्य तो खत्म होना चाहिए और नया मनुष्य तो आता है। ये कैसे आता है, जमीन में जब गिरता है ना तो उसके लिए धूप चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लायक जमीन चाहिए, उसके लायक खाद चाहिए, वो जमीन वो ढीला भी रहना चाहिए जिससे कि वो दाना अंदर सड़ेगा, सड़ के उस अंदर से अंकुर निकलेगा, जैसे वो निकलेगा और निकलने के बाद ऊपर आएगा, हरियाली लेके आएगा और रोशनी लेगा, हवा लेगा और लेके फिर बढ़ता है और बढ़ते देखते हैं पौधे को या दाने को या जिसको भी अपन इस प्रकार अंकुरित होते हैं देखते हैं ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ये देखो जो कैसा हो रहा, कैसे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब ये हुआ कि हमको आगे बढ़ना है और जैसे स्थिर रहेंगे तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखिए प्रैक्टिकल तौर से सोचिए, साइकिल पे बैठ के खड़ा रखना जो है वो मुश्किल है, चलते रहेगी तो बैलेंस बनते रहता है, खड़े साइकिल में बैलेंस नहीं बनता है या बहुत कुछ देर तक आप रुक नहीं सकते हैं, बैलेंस करने वाले भी रहे तो आगे पीछे हिलता डुलता चलता रहता है, तो सीधा सीधा चलता रहता है। और ये सिखाने वाला, साइकिल सिखाने वाला क्या करता है, पीछे पकड़ता है और दौड़ते रहता है और अपने को लगता है कि पीछे पकड़ा है, इसलिए क्या है हम हिम्मत से चलते जाते हैं, वो छोड़ भी दिया उसके बाद भी चलते जाते हैं और वो आदमी रुक भी गया तो भी हमको पता नहीं हम चलते जा रहे हैं। ये हमारा प्रभु है जो हमको पीछे से पकड़ा हुआ है, हमको चलना सिखाता है, चलते रहो, जब बढ़ते रहो, जब बढ़ते रहते हैं ना तब हमारे अंदर में एक नई मतलब जोश आता है, एक नई ऊर्जा, एक नया एनर्जी हमारे अंदर में आता है आत्मिक तौर से, और हम उसको ये बोलते हैं कि वॉक बाय इनसाइट नॉट बाय आईसाइट। मतलब वॉक बाय इनसाइट मतलब आत्मिक आंखों से देखो और शारीरिक नहीं, मतलब आत्मिक आंखों से देखो, आगे बढ़ो, अपने आप को तौलो, अपने आप को जांचो और अपने आप को इस लायक बनाओ कि हमको अंदर में संतुष्टि हो जाए कि रियली आई एम प्रोग्रेसिंग, आई एम ग्रोइंग, ये होना चाहिए विश्वास। मैं कैसे बताऊं, मैं तो दूसरों का एक्सपीरियंस तो बता नहीं सकता लेकिन अपने एक्सपीरियंस बताऊं। इसके पहले मैं एक चीज़ बताता हूं, जॉन विलियम राइस ने जो सोर्ड ऑफ लॉर्ड के एडिटर थे और वो डेथ हो गई, बहुत काम किए उनका उन्होंने लिखा था, उनका पढ़ा था मैंने, वो कहते हैं कि एक सड़क पे तुम निकलो और यदि 10 आदमी जो सेव्ड हैं उनसे बात करो तो 10ों का एक्सपीरियंस 10 किस्म का रहेगा। कोई बोलेगा मेरे को ट्रैक पढ़ते हुए मैंने बच गया, कोई बोलेगा मैं गाना सुना तो मैं भी हो गया, मैं मालूम जब राजस्थान में जब ये क्रूसेड हो रहा था ना, मैं तो उस समय नहीं था, प्रभा मेरे को बताई थी कि तेरी आराधना करूं गाना जो है उसको सुनने के लिए एक बात में एक बुढ़ा जो है मीटिंग के बाद उसको मिले, मतलब बूढ़ा बुजुर्ग था, वो बोला कि बेटा मैं तेरी आराधना करूं गाना सुनने के लिए आया था, वही गाने वाली आई है करके सुना था, मैं 100 किलोमीटर से यात्रा करके आ रहा हूँ, देर हो गई, तुम शायद पहले गा दिए होगे मेरे को नहीं मालूम, तो भी मेरे को गाना सुनना है। तो उस दिन तो खैर गाई नहीं थी लेकिन प्रभा बोली कि उनको अलग से ले गई, बैठाई और बैठा के पूरा गाना गा के उनको सुनाई, एंड वो दैट फेलो वाज थ्रिल्ड, मतलब वो बुजुर्ग जो है बहुत खुश और आनंदित हो गया था। गीतों के द्वारा भी उद्धार होता है, गीतों के द्वारा भी आत्मा काम करता है, संदेश के द्वारा भी आत्मा काम करता है, स्वप्न के द्वारा दर्शन देता बात करता है, वचन किसी के द्वारा बुलवा के हमसे बातें करता है, हमारे अंदर में किसी न किसी प्रकार से बीज बोता है और वो बीज अंकुरित होना चाहिए। एंड वी शुड नॉट रिमेन एज अ बेबी के समान नहीं, हमको आगे बढ़ना है, हमको बढ़ते जाना है, जैसे कि जैसे जैसे हम बढ़ते
जाते हैं, हमारे शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक आंखों से हमको चलना है। शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक इच्छाएं हमारे अंदर में होनी चाहिए, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक फल हमारे अंदर में होना चाहिए। हम आगे चलना चाहिए, एक कदम आगे चलते हैं जो ठीक है, हम दो कदम आगे चलते हैं एक कदम पीछे चलते हैं, ये हमारा जीवन में आजकल हो रहा है। ये दो तो क्या मतलब हुआ कि दो कदम की जगह एक ही कदम में बढ़ पाया, कैसे हुआ? मतलब ये रिग्रेशन हमारे अंदर में, वही वापसी हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए, पीछे हमको नहीं खींचना चलना चाहिए, लेकिन हो जाता है। कैसे हो जाता है ये तो खैर परिस्थितियां ही हमको बताती है, हम जानते हैं। लेकिन अपने आप को तौलते रहो, हरदम बात करते रहो, सुनते रहो, मतलब मैं भी वचन जो पढ़ते रहो, ये सब करने से हमारे जो आत्मिक हमारी औकात हमको पता लगता है। मैं एक अनुभव और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मतलब मैंने अपने आप को जाँचने का अवसर कुदा कैसा देता है। मैं शिकागो से लॉस एंजलिस अपने छोटी लड़की के पास से, लड़के के पास लॉस एंजलिस मैं जा रहा था, 4 घंटे का फ्लाइट था। मैं जैसे फ्लाइट शुरू हुआ, शुरू होने के बाद 5-10 मिनट के अंदर प्लेन ऊपर पहुंचा और इतना हिला कि मेरे ख्याल से बैलगाड़ी भी नहीं हिलता होगा यार, इतना हिलने लगा। एयर होस्टेस वगैरह जो है ड्रिंक्स वगैरह लेके जो जा रहे थे वो फड़ाफड़ गिर रहे थे, किसी के ऊपर गिर रहा था, कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, चिल्ला रहे हो। मेरे बगल में एक लेडी बैठी हुई थी, वो पता नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं घबराई, आराम से बैठी थी। मैं भी घबराया नहीं, आराम से बैठा था। करीब बड़े 20 मैं बताऊँ नॉट लेस देन 25 मिनट्स वो हलचल था पूरा, ऐसा लगा कि गिरेगा। मैं क्या सोच रहा था, खुदावन कहीं पढ़ा था तो ऐसा डायलॉग मेरे को याद आया कि एक चीज तो श्योर है कि कुछ होने वाला है, तो एक चीज श्योर है कि मैं यदि प्लेन क्रैश हुआ, गिर गया, तो मैं जाके अपने वाइफ से मिलूंगा, आरती से। यदि बच गया तो मैं जाके लॉस एंजलिस में अपने लड़के से मुलाकात करूंगा। आज ये पक्का है कि या तो मैं अपने वाइफ से मिलूंगा या लड़के से मिलूंगा, कोई तीसरी बात हमारे अंदर में आई नहीं। बड़े उसमें लेडी को देखा, शी वाज आल्सो ऐसी आँख बंद करके शायद दुआ कर रही थी कि क्या कर रही थी, बिलीवर टाइप लग रही थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे घबराहट बिल्कुल नहीं हुआ। ये बाइबल के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ। तब मैं समझा कि सचमुच में खुदावंद इतनी ताकत तूने दिया। मैं ये नहीं बोलता कि आई एम ग्रेट, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे अंदर में बहुत कुछ है, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बहुत अचीव कर लिया, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत पवित्र आदमी हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे अंदर में एक कॉन्फिडेंस है कि मैं तुझसे मिलूंगा, और यदि तेरे राज्य में प्रवेश करने का हक मेरे अंदर में है, तूने दिया है, क्योंकि नया जन्म मेरा है, मैं उद्धार पाया हूँ, ये सारी चीजें डिफाइन हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है। 20-25 मिनट बाद प्लेन नॉर्मल होके जब शेष चलने लगा, तब मेरे को लगा कि खुदावन थैंक यू सो मच कि तू मुझको आज अपने लड़के से मिलाने वाला है। याद रखना कि यू शुड वॉक बाय योर इनसाइट, नॉट विथ योर आईसाइट। आंख से नहीं, शारीरिक आंख से नहीं, आत्मिक आंख से तुम देखो, अपने आप को परखो, शारीरिक ज्ञान से नहीं, आत्मिक ज्ञान से, बुद्धि से, खुदा के दिए हुए उस मीटर से, उस थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नापो। मुझे मालूम है कि मेरे अंदर बुखार लग रहा है, मुझे मालूम है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर तबीयत कुछ खराब है। कैसे मालूम है? वैसे ही मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी आत्मा में कमजोरी है, मैं उतना दुआ नहीं करता जितना करना चाहिए, जितना समय बिताना चाहिए उतना नहीं करता, जब खुश रहता हूँ तो भूल जाता हूँ, दुखी होता हूँ तो याद करता हूँ, कैसे सेल्फिश हूं, ये सारी चीजें नाप तौल के हमको देखना चाहिए। एक चीज देखना कि परफेक्ट यदि बच्चा जो पैदा है, हर कोई बच्चा जरूर रहता है, पैदा होके बच्चा होके ही बढ़ते हैं, मैं तुम हम हर कोई, और माँ का दूध पी के धीरे धीरे खा के बच्चे को धीरे धीरे खाना खिलाते हैं, सब कुछ होता है, वचन धीरे धीरे मिलता है। शुरू में तो तुम नया जन्म पा गए, एक बच्चे हो, आत्मिक बच्चे हो गए, और जब तुमको धीरे धीरे मिल्क और मीट
और अन्न और दूध मिलते जाता है, फिर उसके बाद रोटी खाएंगे और कड़ा भोजन खाएंगे, क्योंकि छुटपन में शुरू में हम हजम नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हजम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है, खुराक भी बढ़ जाता है। कैसे? देखिए, एक ही चीज़ है कि आदम जो पैदा हुआ था ना, वो परफेक्ट एकदम 100% होके पैदा हुआ। क्या? ही वॉज क्रिएटेड, सृजा गया। कैसे? उसकी तो नाभि काटी नहीं गई, नाभि तो होगा भी नहीं लगता मेरे को। उसकी दांत आने का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि दांत बराबर थे, और उसकी ग्रोथ बेबी तो था ही नहीं, वो बड़ा एकदम तैयार होके आया। और आदम जो है वो एक ही ऐसा आदम है जो कि बिना किसी चीज के कुछ नहीं, ना सिखाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, ना भाषा सीखनी पड़ी, ना कुछ है, सारी चीजें मालूम है, सीधा परमेश्वर से कॉन्टेक्ट था, उसी के अधीन था, उसी के दोस्ती में था, उसी के साथ घूमता था। और ये जो है अब हमको, अब लेकिन हम उसके बाद हर कोई जो पैदा हुआ है आदम अव्वा के बाद, जो कोई पैदा हुए, सबको सीखना है, सबको दूध पीना है, सबको अन्न खाना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे सीखना है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में हमको चलते जाना है। और कैसे ये सीखना? देखिए, उद्धार पा जाना इतना पर्याप्त नहीं है, उसके बाद हर दिन का, हर समय का हिसाब हमको देना है, हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? जैसे कि हम ये पौधा, बीज जो है जमीन में गिरा, जमीन में गिरने के बाद अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद दाने निकले या वृक्ष हो गया, फल लगे, फल दूसरों को खिलाता है, वृक्ष जो है फल दूसरों को देता है, इसको कुछ नहीं मिलता, लोग पत्थर मार के, डंडा से मार के फल को गिराते हैं, पेड़ को चोट लगता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके फल को दूसरा खाता है, दूसरा जब खाता है तो पेड़ को इसी बात की खुशी है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस विच नेवर एंड्स, सीखने के जो है इसका कोई अंत नहीं है, जीवन के आखिरी सांस तक चलते सीखते हमको जाते ही चले जाना चाहिए। चेले लोग भी कहा, एक तो अच्छे टॉप मोस्ट, मतलब एकदम टॉप गुरु उसका था यीशु मसीह, उससे बड़ा गुरु और कोई है नहीं। ऐसे गुरु के साथ रहे हुए चेले लोग जो हैं, 3.5 साल तक उसके साथ रहे, उसके साथ रहने के बाद भी ये पूरा सीख नहीं पाए। क्या बोले कि रोमी सरकार है तो तेरा सरकार आएगा का क्या आएगा, ये सारे डाउट्स इन लोगों में अभी भी, ये क्यों अभी भी ये सीख नहीं पाए। तब परमेश्वर ने कहा जाते जाते कि पवित्र आत्मा आएगा, ये पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, उसके आते तक ठहरे रहो, क्योंकि उसके बिना तुम चल नहीं पाओगे। और जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते गए। फिर ये चेलों ने कैसे कैसे काम किया, कैसे देखे, पौलुस का तो इंस्टेंट मतलब उसका उद्धार हुआ, तुरंत अंधा हुआ और उसको सब मिल गया, लेकिन सीखने के लिए टाइम लगता है। सीखते सीखते गमलियल के पास गया, गुरु के पास गया, सीखा, एक्सपीरियंस हुआ, तकलीफें सहा, सब सहा, कहते फिर सीखते ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब लर्निंग इज ए प्रोसेस। अब देखिए रिवेलेशन, ये प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और चौथा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला कासा प्रेम छोड़ दिया है। कैसे चले? आगे चलने के जगह पीछे चलने लगे हैं। कैसे? हमको दुआ, यदि तुम मतलब नया जन्म पाए हो यार, उसके बाद 10-20 साल हो गया, प्रभु की प्रार्थना भी तुमको नहीं आता है, चिंता के विषय तो है, इसमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा उद्धार पाने का कोई मतलब नहीं है, तुमको बचाने का कोई मतलब नहीं है, तुमको तो अभी तक क्या है कि गुरु हो जाना था, लेकिन अभी भी तुम दूध पीने वाले हो, पतरस कहता है, इसी स्टेज पे रखे हो, वो स्टेज पे नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुमको जो है पहला का सा प्रेम नहीं है। ये कैसा है, मतलब पर्सनालिटी रिग्रेशन हो जाता है। कैसे बोलते हैं पर्सनालिटी रिग्रेशन, मतलब धीरे धीरे पीछे कसकते चले जाते हैं। मैंने एक वर्जीनिया की कोई मैगजीन था, उसके अनुसार जो मैंने नेट में पढ़ा, उसमें लिखा कि एक लेडी, अच्छी खासी फैमिली थी, उसके 2-3 बच्चे थे, पति था, और उसके पति की और उसके फादर की डेथ तुरंत कुछ समय में हो गई। उसके बाद जो है ये बच्चों के पीछे थी, और बच्चों के पीछे इतनी थी कि बच्चों के साथ बच्ची होने लगी तो उनके जैसा पहनने लगी, उनके जैसा रहने लगी। बच्चे लोग खुश होते थे कि मेरी कंपनी माँ दे रही है, लेकिन बाद में ये चिंता का विषय हो गया कि बच्चे लोग बड़े होते जा रहे हैं, ये छोटी होती जा रही, और इसको डॉक्टर्स बोलते हैं, बोले पर्सनैलिटी रिग्रेशन।
ये धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इतने लेवल पे आ गई कि गुड़ियों के साथ खेलने लगी, खाली दूध पीना, खाना वाना नहीं खा सकती थी, और उसके बाद ये होते 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 एक बच्चे जैसे होके एंड शी डाइड। वो एक बीमारी है। आत्मिक तौर से यदि हम ऐसे ही हो जाए तो हमारा उद्धार पाने का, जीवन पाने का कोई मतलब नहीं। फिर से वापस जाते 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 अगेन हम फिर खत्म हो जाते हैं, हमारी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारे लिए बढ़ना आवश्यक है, नहीं बढ़े तो नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं एक बहुत अच्छा एक आपको याद रहेगा वचन, कैसे मालूम, इसको याद रखना, जैसे यूहन्ना 6:66, John 6:66, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं बाइबल से पढ़ता हूं। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। देखना रिग्रेशन, वापस चले गए, उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले, उल्टा हो गए, वापस चले गए। तब यीशु मसीह क्या बोलते मालूम, 67 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? कैसा दुख लगता है ना कि इतने लोग चले गए और ये बोले तुम लोग भी जाना चाहते हो क्या? मतलब ये है कि तुम्हारे क्या, तुम क्या सोचते हो? ये एक चैलेंज दिया है, लेकिन ये के मतलब ये हुआ कि हमको ये वचनों को याद रखना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, यीशु मसीह के बताए अनुसार चलना है, उसके आदेशों का पालन करना है, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है, हमारी दुआ जीवन में बढ़ना है, वचन के अध्ययन में पढ़ना है, सुनने में, सुनाने में, ये सारी चीज़ों में मैं आगे बताऊँगा बढ़ना है। इसलिए जैसे कि यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह का ज्ञान जो है वो ठीक है, डिवाइन पावर होगा, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, स्वयं परमेश्वर ये भी है, लेकिन मनुष्य के रूप में आया और उस मंदिरों में जाकर, सिनेगॉग्स में जाकर, चर्चेस में जाकर वो लोगों के साथ बहस करता था, सीखता था, याजकों के साथ बैठता था, सीखता था, गुरुओं के साथ बात करता था। तभी तो उसको कई वचन याद है ना, शैतान उसको मत्ती 4 में आके पूछता है कि इसको रोटी बना ले, रोटी बना के खा ले तू, तो उसने क्या बोला कि ये बोला कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से, मतलब 4:4 में पढ़ता हूँ, देखिए, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये व्यवस्था विवरण 8 के शायद 3 वचन के आधार पर लेकर यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया। कहाँ से आया? इंस्टेंट, तुरंत जवाब दिया। शैतान ने अटैक किया और तुरंत इसने जवाब दिया। कहाँ से आया? मैं पढ़ दे, मैं बाइबल पढ़ते रहूं, मैं उसका अध्ययन करते रहूंगा, तो मेरे जुबान पे वो वचन आएंगे। और कुछ वचन जो हैं, जब तक मुझ में याद नहीं, कम से कम आगे पीछे करके तो मैं बोल सकता हूं, कुछ नहीं तो उसका मीनिंग लेके बात कर सकता हूं, उसको आधार बेस बना के बात कर सकता हूं, बेस बना के उसमें बढ़ सकता हूं। नॉलेज मेरे को साइंटिफिक या जनरल, मतलब मनुष्य के मैन मेड जो नॉलेज है ये तो ठीक है, चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन, वो चीज भी मेरे अंदर में, वो ज्ञान मेरे अंदर में होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज मेरे अंदर में होना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरे अंदर में होना चाहिए। और ये जब बढ़ूंगा ना, तब ये काम सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, बढ़ने के लिए आवश्यक कई चीजें हैं, मैं अपने समय के अनुसार थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक चीज़ ये देखिए, ऐसे 55:1 में लिखा है, जिनके पास रुपए नहीं हैं तुम भी आओ, मतलब ओपन इनविटेशन, शुरू से बोल, चाहे जो कोई मेरे पास आएगा नहीं निकालूंगे, तो मैं हर बार लेक्चर में शायद बोला हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये वचन, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, ये भी मैं बोलता हूँ, मेरे को ये भी खूब अच्छा लगता है कि एक चैलेंज है, मतलब मेरे अंदर में कि मैं जाऊँ उसके पास, मेरे को बुला रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे जो 2 का कोई काम का नहीं, उसको वो बोल रहा है मेरे पास आओ, बुला रहा है, और क्या चाहिए? और उसके बाद क्या बोलता है, जिनके पास रुपये नहीं है तुम भी आओ। और भाई क्या बोलता है दूसरे वचन में, मेरी ओर मन लगा कर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। देखिए पूरी बात बताया है कि
तुम अच्छे से अच्छी चीज खाने पाओगे, मतलब आत्मिक तौर से तुम आगे बढ़ोगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यू विल बी सैटिस्फाइड इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम संतृप्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे और तृप्त हो जाओगे। क्योंकि देखिए, ये मैं बताऊं कि अपने को सबसे पहली चीज जो है हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये चाहिए आहार, फूड, खाना। खाना क्या, बेबी को आगे बढ़ाना क्या चाहिए? खाना। पहले क्या देते अपन? बेबी मिल्क देते हैं, बेबी फूड देते हैं। धीरे धीरे उसको क्या है, पेस्ट जैसा बना के खिलाते हैं। वो गिराता है, पढ़ाता है, सब करता है, उसके बाद भी खूब खुशी रहती है। और उसके बाद धीरे 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 उसको अन्न प्राश करते हैं ना, क्या बोलते हैं, खाना खिलाने का कोई फंक्शन भी होता है, खाना खिलाते हैं, दाना मतलब अन्न खिलाते हैं, अन्न खिलाने के पहले दाल पिलाते हैं, कुछ कुछ करके प्रोटीन देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। ये मतलब खाना जो है शारीरिक विकास के लिए, बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। और ये चीजें जो है, ये हमको आत्मिक तौर से मैं देखूं कि प्रिय आहार क्या है, खाद्य क्या है, खाना क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारा आहार है, हमारा खाना है। और ये जो है, ये वचन जो है अपने को हमारे अंदर में, जैसे कि मैंने यशायाह के 55:1 पढ़ा है, मेरी ओर मन लगा कर सुनो, तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, मतलब तो तुम्हारे लायक जैसे जैसे चीज, जैसे जैसे तुमको चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वैसे वैसे आहार तुमको मिलता जाएगा। और ये आहार लेते जाओगे तब तुम आगे बढ़ोगे। और इसके लिए मैं देखिए आपको मेन चीज बताता हूं, एक फार्मूला मैंने निकाला है, और ये जो है, और इसको आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं निरंकार से कि उसको दिखाए। पहली चीज जो है हियर, सुनो। दूसरी चीज यह है रीड, पढ़ो, सुनो, पढ़ो। तीसरी चीज जो है राइट, लिखो। एक चीज उसके बारे में बताएं, एक चीज कहीं पढ़ रहा था मैं कि स्मॉलेस्ट पेंसिल लॉन्गेस्ट मेमोरी करके, स्मॉलेस्ट पेंसिल लॉन्गेस्ट मेमोरी, मतलब पेंसिल को छीन छील के लिखते जाते हैं, फिर क्या, तो फिर छीलते हैं, फिर छीनते हैं ना, मतलब छील छील के पेंसिल छोटा होता जाता है। लिखना बोले, जो लिखते रहोगे ना, जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा मेमोरी होगा। स्मॉलेस्ट पेंसिल लॉन्गेस्ट मेमोरी। और ये चीज मतलब पहला क्या हुआ, सुनना, दूसरा क्या हुआ, पढ़ना, और तीसरा क्या है, लिखना, चौथा क्या है, से। Hear, read, write and say. Say मतलब बोलना। जो तुम पढ़े हो तो तुम जान रहे हो, जो तुम अनुभव किए हो बोलो, कहो, say it, और तुम मुंह से बोलो, गवाही दो, प्रीच करो, बताओ, जैसे बनता है वैसे बताओ। जो किसी नहीं सुनना चाहता ऐसे लोग को बताओ, सुनना चाहता है इस ग्रुप को बताओ, जो सुन के अनसुनी करते हैं इसको बताओ, जो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं उनको बताओ, जिनको चेतावनी की जरूरत है चेतावनी दो। और ये सब के साथ में आखिरी चीज क्या है, कीप। कीप मतलब रखो, अपने अंदर में भर के रखो, मतलब अपना सामान भर के रखो, बारूद भर के रखो, वचनों को भर के रखो, आत्मा को भर के रखो, आत्मा से भरे रहो। क्या हुआ, सुनो, पढ़ो, लिखो, कहो, भर जाओ, मतलब अपने आप में भर जाओ, ये होना चाहिए। अब देखिए, फूड हमारे अंदर में होगा ना, स्पिरिचुअल फूड हमारे अंदर में होगा ना, वचन जो होगा ना, यही वचन जो है देहदारी हुआ, और यही जो है खुदा है, यही खुदा का बेटा है, यही हमारे अंदर में शक्ति है, यही हमारे अंदर में रक्त है, और यही हमारे अंदर में सब कुछ है, मतलब अपने को देखना है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जल्दी जल्दी में, दूसरा पहला फूड हुआ, दूसरा ब्रीदिंग, सांस, सांस लेना है। बिना सांस के बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको बोलते हैं नर्स लोग ऐसा उल्टा पकड़ के, और रोता नहीं है तो फिर मारते हैं, जब मारने के बाद चिल्लाता है ना, हाँ ठीक है जान आ गई, तुरंत बच्चे को उठा के लाते हैं। मेरा जो पहला बेटा हुआ, सुबह करीब 4 बजे की बात, वो सिस्टर दास जो है लेके आई, ये देखो देवदास तुम्हारा बच्चा। मैं बोले ठीक ठीक ठीक, हाथ में लो, जबरदस्ती हाथ में दी, मैं डर रहा था। फिर बोले हाँ ले जाना, फिर देखा इतना बड़ा नाला टटका हो, क्या बोले अभी उसको काटना है, नाल को काटना है। बाइबल में लिखा है ना, नाल भी काटा नहीं गया करके पुराने नियम में। ये पनाल जो है मांस से कनेक्शन है, जिससे आहार आता है, ये नाल है, ये नाल जो है पुराने आहार को
खत्म कर देने के लिए काट देंगे। अब वो भोजन मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या भोजन चाहिए? मेरे को आत्मिक भोजन चाहिए। नाल काटना मतलब नया जन्म पाना, और ये जो है ब्रीदिंग, मतलब ये ब्रीदिंग जो है हमारे जीवन के लिए जरूरी है। एंड ब्रीदिंग, अब ब्रीद कर रहे हैं तो कोई अपन देखे आदमी मरा है क्या, नाक के पास हाथ रख के देखते, कान देखते, सांस चल रहा है कि नहीं। सांस चल रहा मतलब जिंदा है, सांस नहीं चल रहा मतलब गॉन, नो यूज, अब कोई फायदा नहीं। क्यों? सांस बंद हो गया। सांस का मतलब प्रेयर, प्रेयर का इंपॉर्टेंस आप समझ गए ना। जैसे प्रेयर नहीं है तो मर गया है, प्रेयर है जिंदा है, प्रेयर है तो जीवन में आगे बढ़ेगा, प्रेयर है तो सही चलता जाएगा, प्रेयर है तो शक्ति बढ़ेगी, प्रेयर है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रेयर है करीबी खुदा की बढ़ेगी, प्रेयर है आशीषें मिलेंगी, प्रेयर है सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, प्रेयर है आत्मसंतुष्टि होगा, प्रेयर है हम प्रफुल्लित हो जाएंगे, प्रेयर है हम अपने आप को धन्य समझेंगे, प्रेयर है हमारे अंदर में सब कुछ हो जाएगा। सवेरे उठ के प्रेयर की है क्या? प्रेयरफुल टाइम मेरा हुआ है क्या? नहीं हुआ। कहीं जा रहे हैं, कुछ हो गया, प्रेयर रुकी है कि नहीं? आज दुआ की है कि नहीं? यह सब ध्यान में आता है। दुआ करके निकले कि नहीं? आने के बाद दुआ की है कि नहीं? खाने के पहले जब आदमी होटल में खा रहा था, सामने वाला ये मुंडी नीचे करके रखा, तो सामने वाला पूछता है क्यों सिर में दर्द दे रहा है क्या? बोले नहीं नहीं। तो बोले क्यों खाना देख रहे हो, क्या खराब है क्या? बोले नहीं नहीं। तो क्या कर रहे थे? बोले प्रेयर कर रहा था। बोले काहे को प्रेयर करना? सब चीज हम तुम पैसा दे के खा रहे हैं, किसी का एहसान थोड़ी ले रहे हैं। तो इसने बोला हाँ 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 सही बात है, मेरा कुत्ता भी ऐसे ही करता है। अरे यानी थैंकलेस क्रिएचर, अरे मैं कुत्ता बोला ना, तो मैं तो बस मेरे भाई क्या कुत्ता है, उसको क्या है, उसको दुआ करो तब खाना खाता है, वो जब कब खाने के पास बैठे रहेगा। गॉड ब्लेस दिस फूड करके दुआ करें ना, वो सर्वेंट भी आएगी और दुआ भी छत्तीसगढ़ी या दुआ सीख गई, और दुआ करें ना तब फट से एकदम लपक के खाना शुरू करता है। कुत्ता भी दुआ को जानता है, लेकिन तू बोलता मैं अपनी कमाई का खा रहा हूँ। तेरी कमाई कहाँ से आई? तेरा घमंड कहाँ से है? समझ जा, ये खाना खुदा का दिया हुआ है, एक एक दाना हमारे अंदर जा रहा खुदा की आशीष है, अंदर उतर रहा खुदा की आशीष। मैं केरल गया था ना, वहाँ पर बहुत पहले जब जवान था, तिरुवेला गया था, वहाँ पर खाने बैठे सब लोग दुआ किए, खाने के बाद कोई उठ नहीं रहा था, एकदम अपन ऐसा लगता नहीं ना उठ नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं उठ रहे करके देखो, तो सबका खाना हो जाने के बाद फिर सब लोग एकदम आँख बंद करके अपने वो मलयालम में फिर दुआ किए, दुआ करने के बाद फिर उठ के हाथ वाथ धोए। मैं बोला गजब है, सच बात है, तूने दिया है उसके लिए धन्यवाद, तूने हमें खाने को दिया इसके लिए धन्यवाद, हम खा पाए इसके लिए धन्यवाद, खुदावंद हर जगह तेरा धन्यवाद, तेरे बिना मेरी कोई औकात नहीं, मेरे खुदावंद तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ तेरा हूँ, तुझ में आगे बढ़ने की शक्ति दे, मुझे दे, मुझे दुआ का जीवन दे, और वो ब्रीदिंग मेरे अंदर में दे, वो खाना मेरे अंदर में दे, और उसके साथ साथ एक एक्सरसाइज बोलते हैं ना, ये भी हमारे जीवन में बढ़ने के लिए, एक बेबी के बढ़ने के लिए जरूरी है। छोटा बच्चा भी देखो पैर हाथ पैर चलाता है, ये करता है, वो करता है, ये कर रहा, बोले क्यों? वो उसका एक्सरसाइज है, दैट डेवलप्स बॉडी, उसको रेस्ट, बच्चा ज़्यादा सोना चाहिए। बोले सोए तो नींद में भी प्रक्रिया होती बोलते हैं बदन की, और कई चीज़ें जो है डेवलपमेंट्स होते हैं, इसलिए भी रेस्ट चाहिए। मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज चाहिए, मेरे को रेस्ट चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, कसरत भी करूँगा, आराम भी करूँगा, खुदा तेरे नाम से सब कुछ करूँगा, और कितना समय नियत करूँगा, इस समय उठ के मैं करूँगा, इतने समय में दुआ करूँगा, इतने समय इतने पढ़ूँगा, इतने समय इतना नोट्स बनाऊँगा, इतने समय लिखूँगा, इतने समय कहूंगा, इतने समय याद रखूंगा, इतने समय अपने अंदर में रखूंगा, जब भी तू पूछे तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तेरा संतान हूं। और ये जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे अंदर में होना चाहिए, और एक ग्रोथ के लिए मेरे को फैमिली भी चाहिए,
अब मतलब एक एसोसिएशन चाहिए, एक कंपनी चाहिए, मेरे को एक एक एटमॉस्फियर चाहिए, एक फैमिली चाहिए, घर में चाहिए, प्रेम चाहिए, माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, पति पत्नी चाहिए, मेरे घर में चाहिए, मेरे फैमिली चाहिए, मेरा चर्च चाहिए, मेरी कलिसिया में चाहिए, मेरे पादरी चाहिए, मेरे लोग चाहिए, मेरे आत्मिक भाई बहन चाहिए, मुझको संभालेंगे, मैं उनको संभालूंगा, हम एक दूसरे से मिलेंगे, प्रेम करेंगे, आत्मिक बात करेंगे, हम सभाएं करेंगे, इतवार को मिलेंगे, बुधवार को मिलेंगे, बृहस्पति को मिलेंगे, शुक्रवार को मिलेंगे, शनिवार को मिलेंगे, उपवास प्रार्थनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे, हर फंक्शन में मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, दुआ करेंगे, धन्यवाद देंगे। यही एक एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें बढ़ते 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 हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। ये नेचुरल चीज और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं। दीज आर द थिंग्स विच ग्रोज अवर स्पिरिचुअलिटी, हमारे स्पिरिचुअल चीज को, हमारे चीज को बढ़ाता है। ये बढ़ाते बढ़ाते हमारे अंदर में जो है हर कमजोरी हमारी निकालते जाता है। एंड हमको ऐसा लगता है ना, हम बड़े प्रेम से जब कुछ ये एटमोसफियर चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मारे गोली, वो तो आज की बात है कि, लेकिन एक सोशल गैदरिंग हमको चाहिए, एक सोशल कंपेनियनशिप चाहिए, हमको एक दूसरे का सहारा चाहिए, तब हम जाके बढ़ते हैं। क्योंकि एक सोशल ब्लड रिलेशन जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब खून का रिश्ता है। कौन से खून का? वही खून जो पीते हैं, वही रोटी जो तोड़ते हैं, वही खाते हैं यीशु मसीह को देह को याद करते हैं, ये पीते हैं उसके लहू को याद करते हैं। कहते खुदावन धन्यवाद तूने कि जो कुछ भी मेरी गलतियां हैं, मुझे मेरे गलतियां दूर कर, ये दुआ करके मुझे पवित्र कर करके फिर रोटी खाते हैं, दाखरस पीते हैं और ये काम करते हैं और ये मेज की सहभागिता करते हैं, ये कम्युनियन सर्विस को हम करते हैं। क्यों करते हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल क्लेंसिंग के लिए, आत्मिक शुद्धता के लिए, आत्मिक पवित्रता के लिए। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं और सही करते हैं, तराजू में सही उतरने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ और पीछे मत हटो, ना पीछे देखो, आगे चलो, संभल के चलो, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, सीधे सीधे उसके में चलो। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता के खत्म करता हूं। प्रभु की यीशु मसीह के लहू की शक्ति को मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं और इसके संबंध में मैंने एक चीज पढ़ा और आपको भी मालूम होगा कि कैनेडी की मृत्यु हो गई थी गोली मार के, उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी और उसके बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गए। जैसे ले गए उसकी पत्नी भी उसके साथ में गई एंड शी वॉज वेटिंग आउटसाइड टू गेट द रिजल्ट, क्या हुआ क्या है करके थी और पता लगा कि ही इज नो मोर, जॉन एफ कैनेडी अब नहीं रहे, खत्म हो गए। और उस तुरंत शायद मेरे ख्याल से क्या जॉनसन वगैरह कुछ नाम था वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की जैसे ही खत्म होता है तो वाइस प्रेसिडेंट हैज टू टेक द पोजीशन ना, जो भी जैसा भी है। उसके बाद उसने इनके जॉन एफ ये इनकी वाइफ जो है, नाम तो मुझको याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वाइफ जब थी तो उसको बोला गया कि तुम्हारे कपड़े में, तुम्हारे पैरों में खून है, क्योंकि जो पति को मारे थे वो खून के फव्वारे निकले, खून है, इसके लिए तुम कपड़े बदलो, हम इंतजाम करते हैं। तो से रिफ्यूज्ड के नहीं। और वैसे ही टेक्सास से व्हाइट हाउस लौटी, व्हाइट हाउस जाते तक ही वो बोली कि पीपल मे सी द ब्लड ऑफ माय हस्बैंड, मेरे पति का खून लोगों को देखना है, देखना चाहिए, इसलिए मैं भी इसको धो नहीं सकती। ऐसे ही मैं कहूं मेरे यीशु मसीह का लहू देखना चाहिए, दिखना चाहिए, मैं धोना नहीं चाहता। उसके धब्बे यदि मेरे ऊपर लहू के हैं तो आई एम प्राउड ऑफ दैट। प्रभु हमको विजय जीवन देगा, उसके लहू में बने रहो, उसके लहू में आगे बढ़ते जाओ, उसके आशीषों को प्राप्त करो। जीवन का अंत कब है नहीं मालूम, लेकिन एक चीज चलना है कि मार्ग वही है, सच्चाई वही है, जीवन वही है और उसी पर हमको चलना है। और क्यों? यीशु कहता है, गाना सुनिए, यीशु तुम्हारे संग संग है। डोंट फील अलोन, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, यीशु तुम्हारे संग संग है और उसी के मार्ग में तुमको आगे बढ़ना है। और अपने समय का और अपने समझ का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा मत लेना,
आत्मिक समझ की सहारा लेना, अपने ज्ञान का प्रयोग मत करना, आत्मिक ज्ञान को, डिवाइन ज्ञान को, उस पवित्र ज्ञान का आधार लेना। और गाना सुनती है आखिरी चरण में आप सुने, संपूर्ण मन से भरोसा रखना, हैव फेथ एंड ट्रस्ट विद कंप्लीट ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना। और क्या होगा कि आत्मा से भरपूर होके उसके काम को करना, करके गाना है, आत्मा से भरपूर होके उसके काम को करना, सीधे चलना, मार्ग पर चलना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ में है। तभी तो आज तक जीवित हूँ, तभी तो आज से बातें कर रहा हूँ, तभी तो हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, तभी तो हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, तभी अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये प्रेरणा अंदर में आती है ना, उसको सप्रेस मत करना, उस आत्मा को शांत मत करना, दबाना मत, लेट दैट लाइट में शाइन, उसको प्रज्वलित होने दो, बढ़ाओ अपने आत्मिक जीवन में, बढ़ाओ। तुम चाहे 9 साल के हो, चाहे 90 साल के हो, नए जन्म पाए हो तो बच्चा हो, बेबी हो, और बढ़ते जाओ और बढ़ो, जितना बढ़ो, जितना बढ़ सकते हो उतना करो, जितना कर सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना सुनो। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सुनो, सुनने के बाद क्या करो, पढ़ो, पढ़ने के बाद लिखो, लिखने के बाद कहो, कहने के बाद अपने अंदर में स्टोर करके हिफाजत से वचनों का भंडार बनाए रखो, और उस ज्ञान का प्रयोग अपने लिए, अपने जीवन के लिए करो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और इस समय को बहुमूल्य समझते हुए हम उसको धन्यवाद दें। आइए गीत को सुनेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। भरोसा रखना, आत्मा से।
हमारे दयालु परमेश्वर, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, केवल उसी बाल्यावस्था में नहीं, परंतु हम बड़े जीवन में, जवानी में आए, जीवन में आगे बढ़े, वृद्धावस्था में आए, स्थिर हो, आत्मिक जीवन से मजबूत रहें और तेरे स्वर्ग में प्रवेश करने का हक प्राप्त कर सके। जितनों ने वचन को सुना है, हर एक को आत्मिक जीवन को अपने नापने, तौलने, परखने और उसको जांचते हुए बढ़ने के लिए सहायता तू कर, ताकि हम सब एक कदम और आगे बढ़े, पीछे पड़ना नहीं, आगे बढ़ते जाएं। जब तक हम तुझसे ना मिलने तब तक हम बढ़ते रहे, जब तक तू आ ना जाए तब तक बढ़ते रहे, जब तक हमें तू ना बुला ले तब तक बढ़ते रहे, तेरे सिंहासन के सामने खड़े होने तक बढ़ते रहे, तेरे स्वर्गराज के आनंद को प्राप्त कर सके, जो मुकुट तूने रखा उसे प्राप्त करने का हक प्राप्त कर सके। हर एक को जो बीमार है उनको, जो कठिन परिस्थितियों में है उनको, जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर, और खुदाओं इस महामारी के समय में हमारी सब की तू सहायता कर और इस कोविड को तू खत्म कर, ताकि हम स्वतंत्र होते हुए और भी अधिक खुदाओं तेरी इबादत कर सकें, तेरे भवनों में सब जा सकें और बैठ सकें और आगे बढ़ सकें और संगति प्राप्त कर सकें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।